हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ विद वर्षा। हाजिर हूँ एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। जैसे कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि बीच बीच में प्रोडक्ट के रिव्यू होते रहते हैं, तो पहले वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। लुक एट माय फेस एंड लुक एट दिस ग्लो। तो आप सबने स्ट्रोब क्रीम के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज मेरे पास है फेसेस कैनेडा का ये स्ट्रोब क्रीम। पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी। एक्चुअली ये क्लियर कैमरे में आ नहीं रहा है, तो एक सेकेंड। यस, फेसेस कैनेडा का स्ट्रोब क्रीम है, इसके बारे में बताऊंगी। ये सिल्वर है, ये दो कलर में आता है, सिल्वर और गोल्ड। आपको जो पसंद हो आपके अकॉर्डिंग वो ले सकते हो, दोनों भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा रेडियंट है, ग्लो है, मुझे बेहद पसंद आया। मैं पहले ही बोल रही हूँ बिना रिव्यू दिए, सच में, क्यों आप मेरा फेस देख सकते हो। कोई फिल्टर मैंने यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट कैमरे के सामने ये देख रहे हैं आप। सिर्फ क्रीम अप्लाई की है मैंने। तो फेसेस कैम इसमें है शेयर बटर और हाइलुरोनिक एसिड है स्ट्रोब। ये 30 ml की है, क्रुएलिटी फ्री है, इंटेंस हाइड्रेशन इल्यूमिनेशन। एक्चुअली इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप लोगों में से मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि स्ट्रोब क्रीम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को, जिनके फेस पे ग्लो होता है। आपको लगता है कि इनके फेस पे मेकअप तो नहीं होता है बट ग्लो होता है। तो वो ग्लो आता कहाँ से है? बहुत बार आपकी मतलब हमेशा आप देखते होंगे कि उनके फेस पे किसी तरह का कोई मेकअप नहीं होता है लेकिन फेस काफ़ी ग्लोइंग लगता है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी यूज़ किया नहीं होता, ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। भाई इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, कैमरे के सामने आते हैं तो ऐसे तो आएंगे नहीं। तो वो लोग हमेशा ये यूज़ करते हैं। और सेकेंड चीज़ ये है कि उनका मेकअप आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा शाइन, आप देख बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है, मतलब एक अलग सा ग्लो लगता है उनके मेकअप में। अब कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि आप सैलून्स में मेकअप कराते हैं किसी मेकअप आर्टिस्ट से, जो अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं बहुत लोगों को पता है पर सैलून्स वगैरह में नहीं पता होता है ज़्यादातर लोगों को। तो ये जो ग्लो आता है ना, ये इसी स्ट्रोब क्रीम की वजह से आता है। क्या होता है कि स्ट्रोब क्रीम्स बहुत महंगी आती हैं, काफ़ी कॉस्टली आती हैं, तो सब लोग इसे अफोर्ड नहीं करते हैं। और सैलून्स वगैरह में भी यूज़ करना ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं होता है, पर क्या होता है कि यूज़ करने के लिए कस्टमर उतना पैसा देते नहीं हैं। वो बोलते हैं बहुत महंगा मेकअप है तो इस वजह से वो यूज़ नहीं करते हैं बहुत सारी। लेकिन अब ये फेसेस कैनेडा इसमें काफ़ी मुझे लगता है बजट में, काफ़ी बजट में है। पहले स्ट्रोब क्रीम्स हज़ारों रुपए की आती थी, 1000-2000 की, पर ये बजट फ्रेंडली है, मतलब इतना नहीं, 539 की ये भी है, इतने कम में नहीं है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती थी। तो फेसेस कैनेडा का ये जो स्ट्रोब क्रीम है ये 539 रुपीज़ की है, 30 ml की बॉटल है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर देती हूँ, वैसे अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हुई हुई है इसकी। देखते हैं कितनी खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग नहीं एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह की सिल्वर कलर की ट्यूब है ये, और ये क्राउन जैसा। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने कितना लिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ये बीच में इस जगह की शाइन ही अलग है। तो इस क्रीम को मेकअप करने से पहले आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको एज अ हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ, वैसे मेरा मेकअप हुआ है लेकिन मैं इसको हाइलाइटर की तरह आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसे हाइलाइटर की तरह काम करता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे हाइलाइटर की ज़रूरत ही नहीं है इसको लगाने के बाद। देख रहे हैं आप, यहाँ लगाती हूँ मैं थोड़ा सा। और इसके ऊपर जब आप मेकअप करते हैं ना तो आपका मेकअप बिल्कुल शाइनी ग्लॉसी नजर आता है, ग्लोइंग नजर आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ।
आपको यहाँ भी अगर शाइनी शाइनी चाहिए, आपने लोअर नेक का कुछ पहना हुआ है तो ये आप ग्लो देख रहे हैं, ये हाइलाइटर का ग्लो है और आप फेस पे तो आपने देखा ही है। आप चाहें तो आप इसे फाउंडेशन में भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा सर। मेरे बालों को पहले सेट कर लेती हूँ मैं। मैं हाफ साइड में आपको करके दिखाती हूँ और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप चाहें तो आप इसको फाउंडेशन में मिक्स करके इससे बेस भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा। मैं आपको आपके अपने फेस पे करके दिखाती हूँ। इस साइड का मैं रहने देती हूँ मेकअप और इस साइड का आपको दिखाती हूँ। साइड का सारा मेकअप मैंने रिमूव कर दिया है और अब मैं बताती हूँ कि आपको बेस बनाना कैसे है। आपको लेना है फाउंडेशन कोई सा भी, इस तरीके से इसमें मिक्स करनी है थोड़ी सी स्ट्रोक क्रीम। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। इधर मैंने हल्का सा ब्लशर लगाया था तो थोड़ा सा मैं इसको सूखने दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी हल्का सा ब्लशर और आप देख सकते हैं फिनिश। एंड नाउ आई यूज हाइलाइटर और इसको ही यूज करूंगी मैं एज अ हाइलाइटर। तो यहाँ पे मैंने हाइलाइटर की तरह इसको ही यूज़ किया है, थोड़ी देर में ये सेट हो जाता है। देख रहे हैं आप, तो बेसिकली आप इसको ना एज अ क्रीम यूज़ कर सकते हो, आप इससे एक अच्छा सा बेस रेडी कर सकते हो आपके फाउंडेशन में मिक्स करके, इससे आप हाइलाइटर एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों प्रॉफिटेबल है। अगर आप चाहते हो कि आपका फेस जो है वो बिल्कुल नेचुरल लगे, मेकअप जैसा ना लगे, तो आप सिर्फ ये क्रीम अप्लाई कर सकते हो, आपका फेस जो है वो शाइनी शाइनी ग्लोई लगेगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया है। तो और काफ़ी अच्छी भी है, प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में।
तो ये था मेरा वीडियो, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेकअप में। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।